पता कहाँ होता है। बस 1.5 वर्ष की उम्र में हेलेन को ऐसा बुखार पकड़ा कि उन्होंने देखने, सुनने व बोलने की क्षमता हमेशा के लिए खो दी। अब यह तो हुई जीवन की अप्रत्याशित मार, परंतु मारों पर विजय पाना और उनसे बाहर आना ही इंसानी स्पिरिट है। जीवन की मारों से हताश या निराश हो जाना या फिर उन मारों से घबराकर आश्रय खोजने लग जाना वास्तविक इंसान के लक्षण नहीं है होगा। हेलेन ने अपनी इंद्रियां को छूने के बावजूद सामान्य जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। वह माँ का हाथ पकड़कर संसार देखने समझने में लग गई, इशारों की भाषा सीखने लग गई और इस तरह धीरे धीरे अपनी समझ के बल पर उन्होंने सबसे कम्युनिकेशन दिखाना प्रारंभ कर दिया। जैसे वह मुंह सीधे हिलाए तो नाक और ऊपर नीचे हिलाए तो हाँ वगैरह वगैरह। और फिर तो 4 वर्ष की होती होती वे घर की कामकाज में भी हाथ बटाने लग गई। कपड़ों की घड़ी करना उन्हें विशेष तौर पर पसंद आने लगा था। आश्चर्य तो यह है कि कपड़ों की भीड़ में वे अपने कपड़े अलग से पहचान लेती थी। इसी दरमियान उनके रसोइये की बेबी मार था और उनका पालतू कुत्ता उनके मित्र हो गए थे। उनका साथ पाते ही हेलेन को एक नया जीवन मिल गया था। उसने उनके साथ उसका घर के बगीचों व तबेलों में घूमना फिरना प्रारंभ हो गया था। हेलेन के लिए यह नया अनुभव स्वर्ग के हजारों काल्पनिक अनुभवों से ज्यादा सुखदायी था। यही नहीं, आपस में कम्युनिकेशन बेहतर हो सके इस उद्देश्य से दोनों ने स्वतः ही कई नए संकेत सीखना प्रारंभ कर दिया था। जैसे हेलेन को आइसक्रीम खाने की इच्छा होती तो वह कांपने का अभिनय करती और मार्था तुरंत उसे आइसक्रीम दे देती। यानी हेलेन के जीवन में ना सिर्फ मस्ती बढ़ती जा रही थी बल्कि जीवन आसान भी होता जा रहा था। खैर, यह सब करते करते हेलेन 7 वर्ष की हो गई। उधर उनकी माँ को उनकी प्रतिभा देखते हुए पढ़ाने की इच्छा हुई। हेलेन को कहाँ इंकार था, वह तो जीवन आगे बढ़ाना चाहती ही थी। बस 20 वर्षीय एन नामक टीचर ने हेलेन को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। एन का पहला कार्य यही था कि हेलेन चीजों को उनके नाम से पहचाने। उस हेतु वह हेलेन के हाथ में एक चीज रखती व दूसरे हाथ से वह चीज क्या है यह लिखती। कभी हाथ में गुड़िया रखती तो कभी कुछ और, परंतु मैं बोल सकने वाली लड़की समझे तो क्या समझे, लेकिन हेलेन ही हेलेन थी। एक दिन जब वह गिरते पानी से खेल रही थी तो एक ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उस पर अपनी उंगली से बार बार वॉटर लिखना चालू कर दिया। बस हेलेन समझ गई कि यह गिरती ठंडी वस्तु वॉटर है। फिर क्या था, लफ्तों पर उभरे शब्दों के सहारे उन पर हाथ फेंककर हेलेन की आगे की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। और हेलेन की प्रतिभा व लगन का आलम तो यह था कि देखते ही देखते वे हजारों शब्द सीख गई। फिर तो गद्दे पर उभरे शब्दों के सहारे उन्होंने किताबें पढ़ना भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते हाई स्कूल पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर वह ग्रेजुएट भी हुई और उनकी इस प्रतिभा पर पूरे विश्व ने उन्हें सलाम किया। रातों रात वे विश्व की सबसे चर्चित युवती हो गई। लेकिन हेलेन को अभी बहुत आगे जाना था तो उन्होंने ना सिर्फ टाइपिंग सीखी बल्कि उस टाइपिंग के सहारे कुल 12 किताबें भी लिख डाली। यानी यह देख न सुन न बोल सकने वाली लड़की ने अपनी भावनाओं और विचारों को शब्दों का अमली जामा पहनाने में सफलता हासिल की। यह किसी चमत्कार से कम न था, परंतु हेलेन को इतने से भी संतोष रहा था। संपर्कों का दायरा बढ़ने के बाद जब उन्हें उनके ही जैसे लोगों की दुर्दशा के बारे में पता लगा तो उनके मन में ज्ञानेंद्रियां खो चुके हजारों लाखों अन्य लोगों के लिए भी कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। इस हेतु उन्होंने बड़ा कष्ट उठाते हुए होंठ हिलाकर शब्दों को अभिव्यक्त करना भी सीखा। अब क्या था, कर्मठ
शोभा नहीं देता, ना ही उनसे निकलने हेतु मंदिर मस्जिद चर्च में आश्रय खोजना ही उसे शोभा देता है। मनुष्य को शोभा तो अपनी स्पिरिट तथा कर्मठता के बल पर तमाम विपरीत बातों पर विजय पाना ही देता है, लेकिन हम है कि साधारण से साधारण बातों में भी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। छोटे नफे नुकसान, मामूली सी बीमारी या अपनों से हुई मामूली सी खटपट से हमारा जीवन अर्थहीन हो जाता है। मंदिर मस्जिदों में सहायता मांगने पहुंच जाते हैं, मौलवी पादरियों के तलवे चाटने लग जाते हैं, धागे से लेकर ताबीज, जो व्यक्ति जो कुछ भी कह दे पहनने लग जाते हैं। लेकिन हेलेन ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना तो वे हताश या निराश हुई और ना ही उन्होंने भगवान से कोई शिकायत की, ना ही उन्होंने अपने भाग्य को कोशा और ना ही पादरियों से आश्वासन मांगा। वे तो बस भगवान द्वारा मनुष्य को बख्शी गई अक्षय स्पिरिट के सहारे आगे बढ़ती चली गई। मैं ऐसी महान हेलेन केलर को स्पिरिट की देवी के रूप में स्वीकारती हूँ और यह तय करती हूँ कि आगे जीवन में जब भी कोई संकट आएगा मैं उसे हंसते हंसते स्वीकार करूंगी। थैंक यू।